फिल्म इश्क जुनून का पोस्टर जब लॉन्च हुआ था तो वो अपनी बोल्डनेस के कारण चर्चा में आ गया था। अब इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। ट्रेलर में इंटिमेट सीन्स की भरमार है जो दर्शकों का टेम्परेचर बढ़ा देगा। इस फिल्म के लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस भी न्यू कमर्स हैं, जिनमें राजवीर सिंह, दिव्या सिंह और अक्षय रंगशाही मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। लीड एक्ट्रेस दिव्या ने हॉटनेस की सारी हदें पार कर दी हैं। किसी फिल्म का इतना हॉट ट्रेलर आपने कभी नहीं देखा होगा। थ्रीसम सेक्स पर आधारित इस फिल्म में त्रिकोणीय प्रेम कहानी को दिखाया गया है। ये एक यूथ बेस्ड फिल्म है जो लाइफ कमिटमेंट, लव और सेक्स के इर्द गिर्द घूमती है। ये फिल्म 11 नवंबर को रिलीज हो जाएगी। करीना कपूर का कहना है कि उनके हस्बैंड सैफ अली खान को टिपिकल इंडियन कामसूत्र जैसी महिला पसंद है। उन्होंने ये खुलासा चैट शो वोग बीएफएफ्स के दौरान किया। गौरतलब है कि करीना कपूर इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं। शो के दौरान करीना से पूछा गया था कि जब उन्होंने सैफ को प्रेगनेंसी की खबर दी तो उनका रिएक्शन क्या था। जवाब में करीना ने बताया कि सैफ ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए थे। करीना ने आगे बताया, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये है कि रोज जब भी वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं, जब तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा प्रेग्नेंट रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही चाहता रहूँ। करीना ने बताया कि सैफ को किस तरह की महिला पसंद है। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे कहते हैं कि उन्हें जीरो साइज पसंद नहीं, वो कर्वी और राउंडेड काइंड टिपिकल इंडियन कामसूत्र में डिस्क्राइब की गई महिला जैसी औरत को पसंद करते हैं। गौरी बनकर रह रहे गौरव अरोड़ा बिग बॉस 10 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं। जब से गौरव ने लड़के से लड़की बनने की बात स्वीकारी है तब से वो चर्चा में बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस के मेकर्स उन्हें LGBT कंटेस्टेंट के तौर पर शो में लेने का विचार कर रहे हैं। बिग बॉस का 10वां सीजन 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अब तक के सभी सीजन्स पर नजर डालें तो कई LGBT सेलेब्स शो का हिस्सा बन चुके हैं। इस पैकेज में डालते हैं ऐसे ही कुछ सेलेब्स पर एक नज़र। बॉबी डार्लिंग, एक्ट्रेस एंड मॉडल बिग बॉस सीजन 1। रोहित वर्मा, फैशन डिजाइनर बिग बॉस सीजन 3। बेगम नवाजिश अली, टीवी होस्ट एंड एक्टर बिग बॉस सीजन 4। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, एक्ट्रेस एंड भरतनाट्यम डांसर बिग बॉस सीजन 5। इमाम सिद्दीकी, फैशन स्टाइलिस्ट बिग बॉस सीजन 6। विवेक मिश्रा, योग गुरु बिग बॉस सीजन 7। वीजे एंडी, टीवी होस्ट एंड वीजे बिग बॉस सीजन 7। सुशांत दिग्विकर, मॉडल एंड RJ बिग बॉस सीजन 8। एक्ट्रेस पाउली डैम का जन्म 4 अक्टूबर 1980 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड के साथ ही बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया है। पाउली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2004 में बंगाली टीवी शो जीबोन लिए खेला से की थी। आपको बता दें कि कुछ और बंगाली सीरियलों में काम करने के बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था। उनकी पहली बंगाली फिल्म 3 यारी कथा थी, जो 2012 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बंगाली फिल्मों में काम किया है। पाउली ने फिल्म हेट स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने फिल्म अंकुर अरोरा मर्डर केस में भी काम किया है। फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जयां 7 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में हर्षवर्धन कपूर और एक्ट्रेस संयामी खेर बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। संयामी किंगफिशर कैलेंडर गर्ल बनकर लाइमलाइट में आई थी। उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर 2012 के लिए बोल्ड एंड सिजलिंग फोटोशूट करवाया था। संयामी उत्तरा महात्रे खेर और अद्वैत खेर की बेटी हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।